की जाएगी और किसी भी तरह इस बढ़ती हुई महंगाई को, यानी कि ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें आवाम तक पहुंचाने के लिए इकदाम को तेज़ किया जाएगा। लेकिन मज़दूर अभी जो है वो शदीद परेशान है। मकसूद रही सवाल से हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या बताएंगे, वहाँ का अहवाल क्या है। मकसूद इलाही, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? मौजूद है अड्डा मजदूरों पे और हजारों के तादाद यहाँ पे मजदूर जो वो बेरोजगार हैं और ये लोग मजदूरी के इंतजार में खड़े हैं। हमारे साथ ये मजदूर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनको इस हवाले से क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अजी असि चौथे जिले चो आ गए इतने संभड़े आया जी, बोखत उथू जी, तो काम इतने भी नहीं मिला, तो टुकर ही नहीं पूरा पा बच्चों का जुड़ता सी, तो सन बादशाह का क्या फायदा बनया भी नवाज शरीफ टुकर तो दे जाता है, सन तो टुकर तो मर गया जी। कि तुसी रात नू की भुखे सौंदे हो? असि जी गोंगलू खा के मूलियां खा के ता वक्त पिंजा भी हूँ कोई नहीं देता पाया जी। की मुतालबा इमरान खान अगे? इमरान अगर सस्ती करे, मजदूरियां मुलाक दिया बतावे, जो कोई पैदावार मोदी आम लिए वो जनाब महंगाइयां खत्म करे सस्ती। हूं जी 60 रुपये किलो आटा गरीब कितु 4 किलो लिया बच्चों ने खवा सके। तुहाडे किन्ने बच्चे ने जी? 7 बच्चे तो 2 बच्चियां। 9 बच्चे ने? 9 बच्चे तो जी। तो मुड़ा जी किधर जाइए दसो, सानू पिन्या खैर भी कोई नहीं दिंदा जी। जी आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है वज़ीर आज़म साहब से हमारी के कुछ ना कुछ इन मज़दूरों के लिए सोचे, कि अपने घर के लिए नहीं सोचे। ये नहीं बात हो सकती कि ये मज़दूर भूखे मरेंगे, दूसरी बार आपको चांस नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ जैसे भी था, चाहे कर्जा लेता था चाहे कुछ भी करता था, लेकिन ये अवाम कभी भी अपने मुँह से लफाज नहीं इस्तेमाल कर सकती थी कि हमें बेरोज़गार हैं, रोज़ी नहीं हमें मिलती। हम हमारी यही रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से, आप मेहरबानी करें, अगर नहीं चल सकता आपसे तो आप अपनी वजारत छोड़ दें, इसलिए कि जे मज़दूर भूखा मरेगा तो आपके ऊपर भार आएगा, खुदा के भी देनदार होंगे। आप कहते हैं मदीना रियासत बनानी है हमने, कैसी मदीना रियासत है ये? मदीने में तो लोग भूखे नहीं मरते।